अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। चलनगुट्टा पुलिस हुदूद तलाकुंटे इलाके में इतवार की रात 5 अफराद की टोली ने एक नौजवान के ऊपर हमला किया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। अभी तक हॉस्पिटल में जेर इलाज है। उस पर चाकू से हमला किया, लेकिन चलनगुट्टा पुलिस ने सिर्फ एक शख्स के ऊपर एफआईआर बनाई, जिससे इस लड़के के रिश्तेदार पेरेंट्स नाखुश है। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई कई सवाल उठाती है। हमला करने वालों में अली, समीर, आमिर, अजहर, इमरान है। ये लोग छोटी सी बात पर झगड़ा करके शेख खादर के मकान में घुसकर खादर पर हमला किया और उनके नानी जीनत बेगम पर भी हमला किया। एक ज़ईफ़ औरत जो अपने घर में अपने नवासे के साथ थी, उनके ऊपर भी हमला किया। दोनों भी उस्मानिया हॉस्पिटल में जेर इलाज है। अब इनका डिमांड है कि ये लोग पूर्व के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, वरना हम बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे। डीसीपी सौजन सत्यनारायणा एक तरफ कॉटन सर्च के नाम पर कई हथियारा बरामद करते हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इंसाफ करने में चूकती है। डीसीपी सत्यनारायणा को चाहिए कि खासतौर पर चन्नानगुट्टा जैसे पुलिस स्टेशन पर नजर रखे। क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आगे औरतों को डरा रहे, धमका रहे, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, और एक एक बच्चे को जान ले लेते। हमारा कुछ भी नहीं जाता, तुम लोग का जाता। बोले दवाखाने में भी जाकर धरता रहे। एडवोकेट है उन्हें, वकील है उन्हें, गनी उसका चाचा भी आ रहा चांद, दोनों आके डरा रहे औरतों को। और हम लोग गालियां दे रहे, बुरे बुरे गालियां। नाम मालूम? हाँ, बोलो नाम। अली, अली, समीर छोटा, और एक आमिर अजहर था। कैसे मारे? इससे मेरे से भैगम भाई जो थी, भाई जो मेरी। मेरा नाम वसीम है। जो मेरे भाई पे एक अटैक हुआ था इतवार के दिन शाम में, ईशा के टाइम पे, इतवार के दिन शाम में, जो हफ्ते के टाइम, क्या हुआ था उसके ऊपर? एक अटैक हुआ था, जो एक अली नाम का बच्चा है, जो जंबे से पेट में मार दिया था चाकू। क्या वजह थी? कोई ज्यादा दुश्मनी थी आप लोगों की? एक दोस्त है मेरा, उससे मस्करा बना हो रहा था, मस्करा बना कर रहा था। क्या नाम है उनका? उनका नाम है आसिफ। आसिफ से हो रही थी। आसिफ आपके दोस्त है? हाँ, दोस्त है मेरे। आज नमाज से आ रहे थे हम दोनों, नमाज पढ़ने के आ रहे थे, दोनों ने रुक के चला था, मस्करा बना कर आई, वो मस्करा बना कर, तो मैं समझाया उसको, समझा के भिजा दिया। भिजाया तो फिर पलट के आया, वो आके बोला मैं तेरे घर के ना आके लड़ता हूँ, बुल के घर के ना आया। घर के ना आके लड़ा, लड़के करा उसको, मारने में मैं जब छुड़ाया उसको, छुड़ाया अभी तो मेरे को मारना शुरू करा, तो मेरा भाई आया उससे पीछे से, मेरा भाई आके ईशा के टाइम पे 8:30 बजे। इनको क्या हुआ? इनको बचाने गए थे, झगड़ा कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, बच्चा पोते को छुड़ाती बोल के, मैं एकदम हाथ पकड़ के ठेला, मैं गिर गई, मेरे पोते को अंदर ठेली, तो मेरे टाके लग गए, पूरे टाके लग गए। नहीं, पीएस हो गया तो पीएस को कुछ भी नहीं कर रहे ना, फिर पड़ोस भी नहीं कर रहे, केस कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्हों भी कुछ भी नहीं कर रहे। छोड़ा है बच्चे का, ऑपरेशन होगा, कुछ भी नहीं कर रहे, 3 दिन से यहीं से उसको चंचल पड़े दिल में, तभी वहाँ पे तो भी ले लेंगे जाके डालो उसको, पूरे मिलकर मारता मरा, ये बच्चे का भी जान का धोखा है, ये बच्चे को मारने की कोशिश करो। आसिफ है, आसिफ को बोला क्या हुआ? अरे 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 बोला तो किसको बोल रहा? अरे बोलती यहाँ तक आके मारा, वही चाकू तक मार दिया, घर में पुलिस वाले तो कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे, अंदर आप लोग मीडिया वाले तो भी कुछ भी कर रहे, भूल गए आपको, बस जा रहे चाबी भी फोन, वो सुन जा रहा है। कई लड़ाई हुई माँ? देखो मेरा पोतरा, मेरे पोतरे का दोस्त नमाज पढ़ के आ रहे थे, उसे झगड़ा करके, फिर समझा भी तो नहीं समझ गया, फिर आया आके झगड़ा करा, मेरे पोतरे पर हमला कर रहा था, तो मैं छुड़ाई तो मेरे को हाथ पकड़ कर ठेले, मेरे बच्चे के, मेरे पोतरे के दोस्त को चाकू पर है, फिर खून ऑपरेशन हुआ, दवाखाने में शरीक है, पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर रहे, बच्चे की कुछ भी मदद नहीं कर रहे, मेरे को भी कुछ भी नहीं बोल रहे, मेरे को भी चली आप गए थे पुलिस स्टेशन? गए थे पुलिस स्टेशन को? गए तो पूरे फोटो लिए, वो लिए, कुछ भी मसला हल नहीं कर रहे, औरतों को डरा रहे, फिर बात करने नहीं दे रहे, हम करते खामोश बैठो, हम करते खामोश बोल रहे, पुलिस वाले बोल रहे कुछ भी नहीं कर रहे, गए तो डर पुलिस स्टेशन, उस्मानिया को भी गए, पुलिस स्टेशन को भी गए, चंद्रानगुट्टा पीएस को भी गए, तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे हकाल दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, फिर आ रहे, डरा रहे, आए तो पुलिस वाले आए तो
कुछ नहीं आया तो ना बीच में आ रहे हैं फंसे जा रहे हैं कुछ भी तो कोई ऐसे नहीं कर रहे थे कुछ खाली उड़ा चाहते थे हम वही डरा रहे धमका रहे थे बस पुलिस वाले डरा रहे धमका रहे उनको तो कुछ नहीं कर रहे फिर बोल रहे हैं कि मेरा हौरिया का मटर होगा हौरिया को करना है बोल के बोल रहे हैं एक को करना है को हर दूसरे करते हो रहे अभी ये की बारी है बोल रहे हैं एक को नहीं है चाचा का वकील चाचा का क्या नाम है बच्चे का जिसके साथ ये हादसा हुआ फादर है मेरे पोतरे का नाम यूनुस है आसिफ है बच्चे के सोबत में रहता है बच्चे को हमला करके मैं छुड़ाने गई मेरा पोतरा है बोल को मेरे को हाथ पकड़ के फेंक ले मेरे पड़ोसी उठाए मेरे को मेरे घुटने नहीं आ रहा था मेरे को आप क्या होना बच्चे को मैं चाची होना बच्चे सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज मुझे इजाजत दीजिए मैं ज़ारा शेख झगड़ा कर रहा था झगड़ा कर रहा था बच्चा पोते को छुड़ा थी बोल के मैंने एकदम हाथ पकड़ के ठेले मैं गिर गई मेरे पोते को अंदर ठेली तो मेरे टाके लग गए पूरे टाके लग गए नहीं पी एस हुआ तो पी एस को कुछ भी नहीं कर रहे ना फिर पड़ोसी नहीं कर रहे हैं केस कुछ भी नहीं हो रहा है उन्होंने भी कुछ भी नहीं कर रहे बच्चे का ऑपरेशन होगा कुछ भी नहीं करे तीन दिन से यहीं से उसको चंचल को दिल में तभी वहाँ पे तो भी ले लेंगे जाके डालो उसको पूरे मिलकर और क्या करे अभी अपना उसका भाई अभी है अभी मारता मरा ये बच्चे का जान का धोखा है देखो ये बच्चे को मारते हुआ कोशिश करो आसिफ है आसिफ को बोला क्या हुआ अरे 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 बोले तो किसको बोल रहा अरे बोल के यहाँ तक आके मारा आके वही चाकूला तक मार दिया घर में पुलिस वाले तो कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे अंदर आप लोग अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है मैं ज़ारा शेख क्राइम टुडे न्यूज चलनगुट्टा पुलिस हुदूद तलाकुंटे इलाके में इतवार की रात 5 अफराद की टोली ने एक नौजवान के ऊपर हमला किया जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया अभी तक हॉस्पिटल में जेर इलाज है उस पर चाकू से हमला किया लेकिन चननगुट्टा पुलिस ने सिर्फ एक शख्स के ऊपर एफआईआर बनाई जिससे इस लड़के के रिश्तेदार पेरेंट्स नाखुश है पुलिस की इस तरह की कार्रवाई कई सवाल उठाती है हमला करने वालों में अली समीर आमिर अजहर इमरान है ये लोग छोटी सी बात पर झगड़ा करके शेख खादर के मकान में घुसकर खादर पर हमला किया और उनके नानी जीनत बेगम पर भी हमला किया एक ज़ईफ औरत जो अपने घर में अपने नवासे के साथ थी उनके ऊपर भी हमला किया दोनों भी उस्मानिया हॉस्पिटल में जेर इलाज है अब इनका डिमांड है कि ये लोग पूर्व के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए वरना हम बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे डीसीपी सौजन सत्यनारायणा एक तरफ कॉटन सच के नाम पर कई हथियार बरामद करते हैं लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इंसाफ करने में चूकती है डीसीपी सत्यनारायणा को चाहिए कि खासतौर पर चननगुट्टा जैसे पुलिस स्टेशन पर नजर रखे क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद आगे औरतों को डरा रहे धमका रहे कॉम्प्रोमाइज कर लेते और एक एक बच्चे को जान ले लेते हमारा कुछ भी नहीं जाता तुम लोगों का जाता बोले दवाखाने में भी जाकर डरता रहे एडवोकेट है उन्हें वकील है उन्हें वनी उसका चाचा भी आ रहा चांद दोनों आके डरा रहे औरतों को और हम लोग चार पाँच जनों थे नाम मालूम हाँ बोलो नाम अली अली समीर छोटा और एक आमिर अजहर था कैसे मारे इससे मेरे से भैगम भाई जो थी भाई मेरा नाम वसीम है जो मेरे भाई पे एक अटैक हुआ था इतवार के दिन शाम में ईशा के टाइम पे इतवार के दिन शाम में जो हफ्ते के टाइम क्या हुआ था उसके ऊपर एक अटैक हुआ था जो एक अली नाम का बच्चा है जो जंबे से पेट में मार दिया था चाकू क्या वजह थी कोई ज्यादा दुश्मनी थी आप एक दोस्त है मेरा उससे मस्करा बना हो रहा था मस्करा बना कर रहा था क्या नाम है उनका उनका नाम है आसिफ से हो रही थी आसिफ आपके दोस्त है हाँ दोस्त है मेरे आज नमाज से आ रहे थे हम दोनों नमाज पढ़ने के आ रहे थे दोनों रुक के चला था मस्करा बना कर आई वो मस्करा बना तो मैं समझाया उसको समझा के भिजा दिया तो फिर पलट के आया वो आके बोला मैं तेरे घर के ना लड़ तो मुल के घर के ना आया घर के ना आके लड़ा लड़के करा उसको मारने में मैं जब भी छुड़ाया उसको छुड़ाया मैंने उसको छुड़ाया अभी तो मेरे को मारना शुरू करा तो मेरा भाई आया उसके मेरे पीछे से मेरा भाई आके कब हुआ ईशा के टाइम पे 8:30 बजे इनको क्या हुआ
उनको बचाने गए थे मीडिया वाले तो भी कुछ भी कर देखो मेरे पोतरे का दोस्त नमाज पढ़ के आ रहे थे उसे झगड़ा करके फिर समझा भी तो नहीं समझ गया फिर आया आके झगड़ा करा मेरे पोतरे पर हमला कर रहा था तो मैं छुड़ाई तो मेरे को हाथ पकड़ कर ठेले मेरे बच्चे मेरे पोतरे के दोस्त को चाकू पर है फिर खून ऑपरेशन हुआ दवाखाने में शरीक है पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर रहे बच्चे की कुछ भी मदद नहीं कर रहे मेरे को भी कुछ भी नहीं बोल रहे मेरे को भी चली आप गए थे पुलिस स्टेशन गए थे आप पुलिस स्टेशन को गए तो पूरे फोटो लिए बोलिए कुछ भी मसला हल नहीं कर रहे औरतों को डरा रहे हैं फिर बात करने नहीं दे रहे हम करते खामोश बैठो हम करते कौन बोल रहे हैं पुलिस वाले बोल रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे गए तो डरा पुलिस स्टेशन उस्मानिया को भी गए पुलिस स्टेशन को भी गए चंद्रन गुट्टा पीएस को भी गए तो कुछ भी नहीं कर रहे हमारे हकाल दे रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे फिर आ रहे हैं डरा रहे आए तो अपने पुलिस वाले आए तो